लूटिंग कर रहे हैं, अकेले हैं आज। यह है नैरेटोलॉजी, फोकलाइजेशन, डाइजेसिस, हेट्रोडाइजेस्टिक, होमोडाइजेस्टिक, ऑटोडाइजेस्टिक, रिसाइट, एनालिप्सिस, और ये क्या है, प्रोटिप्सिस। ठीक है, कठिन सब टॉपिक है लेकिन करना है, अकेले हैं। ठीक है, फोकलाइजेशन मीन्स टू फोकस ऑन समथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन जी बी शॉज प्ले पिग्मैलियन देर इज फोकलाइजेशन इन द ओपनिंग सीन। ओपनिंग सीन में फोकलाइजेशन है। क्या है सीन? अ यंग फ्लावर गर्ल इज ब्रॉट इन टू फोकस। यंग लड़की है, फूल बेचती है, उस पर फोकस करना है। तो शौक देखिए कैसे फोकलाइजेशन करता है। शॉज डायरेक्शन इज, वो डायरेक्शन क्या देता है? कोलिजन विद अ फ्लावर गर्ल। बताइए, फूल बेच रही लड़की कोई धक्का मार देता है तो तुरंत अट्रैक्शन होता है। नॉकिंग हर बास्केट आउट ऑफ हर हैंड, और फूल की टोकरी जो है उसके हाथ से फेंका जाता है। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और पानी वर्षा हो रही है, लाइटनिंग है। रैटल पील ऑफ थंडर, वज्र की आवाज़ है। ऑर्केस्ट्राइज इज द इंसिडेंट, और इसी म्यूजिक के साथ ये सीन दिखाता है। तो क्या है, इसमें फोकस है किस पर? उस यंग लड़की पर, फूल बेचने वाले पर। और फोकस करने का तरीका ये है, देखिए, इन अ ड्रामा अ पर्सन और अ थिंग इज हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक और लाइटिंग। म्यूजिक के द्वारा, लाइटिंग के द्वारा लोग फोकस करता है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा टर्म है डाइजेसिस। और देखिए पैराग्राफ फॉर्मेशन बार बार आपको बताते हैं, एकदम सीधा जाइए, यहाँ 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 ऐसे करके एकदम सीधा। ये मेरी गलती है, उसको यहाँ पर करते और अच्छा लगता है। सुंदरता एक रूपता में। ठीक है, अब देखिए डाइजेसिस इन अ स्टोरी इज द एंटायर क्रिएटेड वर्ल्ड। तो स्टोरी में जो सारी बातें हैं सब है डाइजेसिस। ऑल द नैरेटिव्स हैव अ डाइजेसिस, और हर कहानी में डाइजेसिस होता है। एग्जाम्पल ऑफ डाइजेसिस क्या, उसमें क्या क्या है? साउंड ऑफ थंडर, वज्र की आवाज़, म्यूजिक, डांस, एक्सेट्रा, जितना भी चीज़ कोई कहानी में है ना, सब हो गया डाइजेसिस। खाली लंबा लंबा शब्द है, इसको कह सकते हैं कॉन्टेंट में भी कह सकते हैं। कॉन्टेंट क्या क्या है? कॉन्टेंट डाइजेसिस गिव्स इन्फॉर्मेशन इन अ स्टोरी। ये क्या है डाइजेसिस? हमको इन्फॉर्मेशन देता है, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए, इन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास द रीडर्स आर इन्फॉर्म दैट द बर्थ ऑफ मिस्टर विश्वास कॉजेज ग्रेट लेबर पेन्स टू हिज मदर। इस कहानी में हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इसका जो जन्म होता है ना, माँ को जो बच्चा जन्माने में बहुत बहुत कष्ट होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं? लेबर, LABOUR, लेबर पेन्स, PAINS लगेगा, लेबर पेन्स, मानो जो प्रसव पीड़ा करते हैं उसको बहुत। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये डाइजेसिस है। हम पेज टू में आ रहे हैं, अकेले हैं लेकिन कोई डाक सुने ना, तो भाई अकेला चलो रे, हम भी अकेला चल रहे हैं आज। सब मेरे हेल्पर सब बिजी अपने अपने तरीके में। चलिए हम पेज टू में आ गए। ओके, पेज टू में आ गए। आप देखिए क्या है, हेट्रोडाइजेस्टिक। लंबा लंबा टर्म, लेकिन घबराना नहीं है। हेट्रोडाइजेस्टिक नैरेटर डज नॉट टेक पार्ट इन द स्टोरी। तो कभी कभी ना कोई कहानी कहने वक्त जो कहानी सुना रहा है वो अपने हिस्सा नहीं देता है, खाली कहानी सुनाता है। तो वही बात है, हेट्रोडाइजेस्टिक नैरेटर डज नॉट टेक पार्ट इन द स्टोरी, वो कहानी में हिस्सा नहीं लेता है। इन अदर वर्ड्स ही राइट्स और टेल्स द स्टोरी, वो कहानी लिखता है या कहता है, बट इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, लेकिन उस कहानी में वो पात्र नहीं है, कोई रोल अदा नहीं करता, खाली कहानी सुनाता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द प्लॉट एंड स्टोरी, वो सब कुछ जानता है, कहाँ क्या घटी, कौन क्या किया, बट डज नॉट टेक पार्ट इन द स्टोरी, क्योंकि वो कहानी में कोई रोल नहीं अदा करता है। इंपॉर्टेंट है, हेट्रोडाइजेस्टिक हो गया। एग्जाम्पल से क्लियर होता है, मुल्क राज आनंद अनटचेबल इज एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, बहुत नामी उपन्यास हम पढ़े हैं। द राइटर नैरेट द स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल बॉय, अछूत लड़का है, लैटरिन साफ करता है, अछूत है, उसकी कहानी सुनाता है। उसका नाम है बाखा, बाखा की कहानी सुनाता है।
द राइटर डज नॉट टेक पार्ट इन द स्टोरी, लेकिन राइटर मूल का आनंद जो है अपने कहानी में हिस्सा नहीं लेता, वो खाली अछूत की कहानी सुनाते रहता है। द राइटर इज अ हेट्रोडाइजेस्टिक नैरेटर, तो राइटर क्या हो गया मूल का आनंद, हेट्रोडाइजेस्टिक, जो कहानी सुनाता है लेकिन अपने भाग नहीं लेता है। अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यह होमोडाइजेस्टिक नैरेटर। ये क्या होता है, होमोडाइजेस्टिक नैरेटर इज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, ये कुछ मिठाई उठाई बेच रहा है, होमोडाइजेस्टिक नैरेटर इज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। ये क्या है, कोई कहानी में कोई पात्र है। अब एग्जाम्पल देख तो क्लियर होगा, लॉकवुड इज अ होमोडाइजेस्टिक नैरेटर इन एमिली ब्रॉन्टीज फेमस नॉवल विदरिंग हाइट्स। विदरिंग हाइट्स आप शायद पढ़े हुए हैं, इसमें क्या है, लॉकवुड जो है होमोडाइजेस्टिक नैरेटर है, क्योंकि लॉकवुड नैरेट्स द स्टोरी एंड इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो लॉकवुड कहानी सुनाता है, अपने भी कहानी का एक हिस्सा है। कैसे, लॉकवुड नैरेट्स द स्टोरी ऑफ हिज ओन फेलियर इन लव, वो लव में कैसे फेल करता है उसकी कहानी सुनाता है। ही देन नैरेट्स हाउ हीथक्लिफ फेल्स इन लव एंड बिकम्स एबनॉर्मल, तब वो सुनाता है कि हीथक्लिफ भी कैसे लव में फेल कर गया और बेचारा दुख से एबनॉर्मल बन गया। इसीलिए लव में किसी को धोखा मत दीजिए। पेज 3 में आ गए, अब देखिए, अब पेज 3 में हम आ गए, सब दिखाई पड़ा है, ठीक है। एंड ऑटो डाइजेस्टिक नैरेटर इज द प्रोटैगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। ऑटो डाइजेस्टिक नैरेटर जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी में। इन डिकेंसिस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, पिप नैरेट्स द स्टोरी एंड इज ऑल्सो द प्रोटैगोनिस्ट। इस कहानी में ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप जो है नैरेट करता है और खुद उसमें मेन कैरेक्टर है। सो पिप इज एन ऑटो डाइजेस्टिक नैरेटर, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट टर्म है रिसाइट। रिसाइट मीन्स टू से अ पीस ऑफ लिटरेचर दैट वी हैव लर्न्ड। रिसाइट में क्या होता है, कोई साहित्य हम लोग पढ़े हैं और उसी को कह रहे हैं, मीन्स टू से कहना, अ पीस ऑफ लिटरेचर दैट वी हैव लर्न्ड, जो सीखे हैं उसको कह रहे हैं। दिस इज जनरली डन टू एन ऑडियंस, कोई दर्शक को रिसाइट किया जाता है। रिसाइट ऑल्सो मीन्स टू से अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, रिसाइट का माने ये भी होता है, कोई लिस्ट को हम दोहरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए, स्टूडेंट्स रिसाइटेड टू द हेड ऑल द टॉपिक्स दैट हैड नॉट बीन टॉट इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स अब क्या कहेगा, हम एक एक करके पॉइंट बता देंगे, सर ये सब पढ़ाइए नहीं हुई है, ठीक है। अब लिख लीजिए एनालिप्सिस। एनालिप्सिस क्या होता है, इट्स द सेम एज फ्लैशबैक। फ्लैशबैक तो आप जानते होंगे, इन एन एनालिप्सिस वी आर टोल्ड अबाउट द पास्ट ऑफ हर्बर्ट। एग्जाम्पल हर्बर्ट है, इसमें क्या होता है, हम लोग हर्बर्ट की पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। हर्बर्ट इन जेल, हर्बर्ट बेचारा जेल में है, क्या जोड़े, इन द जेल वी आर टोल्ड हिज पास्ट हिस्ट्री, और जेल में हम लोग को उसकी बीती कहानी सुनाया जाता है। जेले में है, जेल में, लेकिन क्यों जेल में है फ्लैशबैक करके बताता है। ही इज इन जेल, क्यों जेल में, बिकॉज ही हैज रिफ्यूज टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू पे हिज वाइफ। वो क्या क्या है, कोर्ट का ऑर्डर है तुम पत्नी को खाना खर्ची दो, लेकिन वो कदम नहीं देंगे वो पत्नी को खाना खर्ची, और इसलिए उसको जेल भेज दिया था। और क्यों नहीं देता खाना खर्ची, द रीज़न वाई हर्बर्ट इज नॉट पेइंग हिज वाइफ इज बिकॉज शी हैज स्मैश्ड हिज काइट। अब देखिए क्या क्या पकल बनती है, वो वाइफ को इसलिए खाना खर्ची नहीं देता क्योंकि उसकी वाइफ है ना उसके पतंग को फाड़ दिए। फिर क्या है, ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है, द काइट इज अ साइकोलॉजिकल मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी बाय समरसेट मॉम। ठीक है, पेज 2 हो गया। अब हमारे पेज 3 में आखिरी पेज है, चलिए अकेले हैं फिर भी कर रहे हैं। अब पेज 3 में है, ओके, अब पेज 3, अब देखिए क्या है, नहीं पेज 2 हुआ ना, पेज 2 हो गया एबनॉर्मल, अब पेज 4 है ये, चलिए है, हाँ पेज 4, प्रोलिप्सिस। प्रोलिप्सिस भी क्या होता है, इज अ फ्लैश फॉरवर्ड, देखिए फ्लैशबैक का उल्टा है, प्रोलिप्सिस इज अ फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक ऑफ नरेशन, कहानी कहने का ये नया टेक्निक है कि पीछे नहीं आगे की बात कहते हैं। देखिए, मॉरियल स्पार्क यूजेस दिस टेक्निक इन अ नॉवल द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडिस। इस नॉवल में ये टेक्निक यूज करती है प्रोलिप्सिस का। द राइटर टेल्स अस दैट द डल स्टूडेंट मेरी सफर फ्रस्ट्रेशन इन लव। वो स्कूल में भी डल थी, आगे जब प्यार करने लगी वहाँ भी डल थी, और मेरी डाइड इन फायर ड्यू टू हर स्टुपिडिटी। और आग में उसलिए जल गई क्योंकि अपनी मूर्खता के कारण, चाहती तो बच सकती थी लेकिन स्टुपिड थी,
स्कूल गेट से ही आगे भी उसको बुद्धुई रह गई और आग में बेचारी पकड़ा के जल के मर गई। रोज स्टैनली बिकम्स फेमस फॉर सेक्स, और ये जो रोज स्टैनली लड़की है इस सेक्स में बहुत नामी हो गई, क्योंकि बचपन में क्या था, शी रोट फ्रैंक बुक्स ऑन सेक्स, और वो क्या नामी हो गई क्यों, सेक्स पर बहुत फ्रैंक फ्रैंक किताब लिखने लगी। शी वॉज इंस्पायर्ड बाई हर टीचर मिस ब्रॉडिस, और उसको स्कूल के बच्चे स्कूल में जब स्टूडेंट थी, छोटी बच्ची थी, उसी समय से ये इससे प्रभावित हुए थे। द टीचर फ्रैंकली डिस्कस अ प्राइवेट लाइफ, और टीचर क्या था अपना प्राइवेट लाइफ स्टूडेंट के साथ खुल के डिस्कस करती थी, तो क्या हुआ स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ा, वो आगे चल के वो क्या कहते हैं सेक्स पर बहुत फेमस राइटर बन गई। कहता है क्या कहते हैं, वीरवान के होते चिकने पात, शुरू से वो लोग तेज होता है, द मॉर्निंग शोज द डे, तो यही बात है, बचपन में ऐसी थी तो आगे बढ़ गई। अब देखिए प्रोलिप्सिस इज द ऑपोजिट ऑफ एनालिप्सिस, प्रोलिप्सिस ऑपोजिट एनालिप्सिस का, इन प्रोलिप्सिस देर इज फ्लैश फॉरवर्ड, प्रोलिप्सिस में आगे देखते हैं, इन एनालिप्सिस देर इज फ्लैश बैक पीछे देखते हैं। अब देखिए आप कंक्लूजन कर रहे हैं, तो लास्ट पैराग्राफ में ना मेरा स्टाइल यही है टू कंक्लूड करके दीजिए, टू कंक्लूड, टू सम अप, इन शॉर्ट, तो क्या राइटर एग्जामिनर भी समझता है कि हाँ भाई खत्म हो रहा है। टू कंक्लूड, बिकॉज ऑफ द की टर्म्स डिस्कस्ड अबव लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज बिकम टेक्निकल, और ये सब टेक्निकल टर्म है ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है साहित्य क्रिटिसिज्म आजकल थोड़ा टेक्निकल होते जा रहा है, क्योंकि ये सब नया नया टर्म यूज हो गया। नाउ द कॉमन रीडर्स विल नॉट बी एबल टू एंजॉय लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज दे एंजॉय द क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्टर जॉनसन, अब साधारण आदमी ना क्रिटिसिज्म का आनंद नहीं ले पाएंगे जैसे कि लोग डॉक्टर जॉनसन का क्रिटिसिज्म का आनंद लेते थे। ओनली स्कॉलर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, विद्वान लोग ही पढ़े लिखे लोग ही मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझ सकेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।